मैं तो स्मेल करते जा रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है। पीटेड मॉल्ट हैवी विस्की है, मेरे को थोड़ी सी रफ लगी। आफ्टर टेस्ट अच्छा है, आफ्टर टेस्ट बहुत ही अच्छा है इसका। मतलब जो हार्ड स्कॉच विस्की लवर है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन टीचर्स है भाई, और मजा भी आएगा उन्हें पीने में। एग्जैक्ट, अपने प्राइस को जस्टिफाई कर देती है ये। हां, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में जिसका नाम है लाइव दोगुना। मैं हूं राहुल और ये मेरा दोस्त रवि। बिल्कुल, और आज इस दोस्त ने बहुतों की मन की इच्छा पूरी कर दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, टीचर्स हाईलैंड क्रीम जो बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी लोगों की भी और मेरी भी, आज भाई लेके आ गया है। बिल्कुल ठीक है, इंडिया में और सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में हाईएस्ट सेलिंग स्कॉच विस्कीज में से एक है। ठीक है, बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत ज्यादा, और ब्रांड इतना बड़ा है कि 1830s में इसकी शुरुआत हुई थी और 1884 में रजिस्टर्ड हो गया हुआ था। और आई थिंक ये इंडिया में सही 1970s में 1974 में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था, मतलब ये बिकना चालू हो गई थी इंडिया में। हाँ, और उसके बाद से जो ये हिट हुई है इंडिया में, मतलब क्या बताएं, एक तो नाम इतना सिंपल है ना इसका, टीचर्स। ठीक है, और नाम की अगर गुत्थी मैं आपकी सॉल्व करूं तो टीचर्स जिस बंदे ने बनाई थी ना, विलियम टीचर्स, उसका नाम था टीचर्स थी, तो इसलिए इसका नाम भी उसने टीचर्स ही रखा है। हाँ, और ऑलरेडी बोतल पे वो भी मेंशन है। एग्जैक्टली, तो बस और कोई मत सोचना कि किसी टीचर को डेडिकेटेड या कुछ, जो और कहानियों और मिथ अलग से चलते रहते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है ये। ठीक तो है, काफी सारी इंटरेस्टिंग की बातें आगे भी करेंगे वीडियो में, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि स्पेशलिटी क्या है इस टीचर की और कितना मजा आता है पीने में। बिल्कुल ठीक है, और आगे चलें, इससे पहले मैं चखना ले आता हूं, है ना? बढ़िया से चखना होना चाहिए बस के साथ। तो अरे तू आज देख, wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing all right, you weren't easy, so hard to ignore, pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like, such a look good in the dim bar light, so damn cheesy, who'd have thought you'd fall for somebody like me, when you asked my name I panicked, so out of my league, your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you'd been waiting for somebody like me. To the city, how would you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, things value had you at a glance. Yeah, but nobody ever asked if you could dance. Yeah, well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league, and your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. You
what you've been waiting for. Somebody like me. वेल दोस्तों और राहुल तेरे लिए स्पेशल दारू तो स्पेशल चखना भाई किसका शिकार करके ले आया तू आज ये अपने इंडियन फेवरेट मड क्रैब्स हैं ठीक है इंडिया में मड क्रैब बहुत बहुत पसंद करते हैं लोग अच्छा। ठीक है और ये बस वही है ठीक है मैंने क्या किया है इसका जितने भी अंदर की पार्ट्स वगैरह थे जितने भी पंजे और जो भी होता है उसका अंदर का जो भी मीट निकलता है उसको निकाला है बाकी की सारा आप इससे पहले उसमें देख चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा इसकी भाई थोड़ी सी टफ होगी भाई रेसिपी में थोड़ी सी टफ है थोड़ा सा ना इसका जो भी अंदर से बॉडी पार्ट्स निकालने पड़ते हैं वो थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है मतलब कि जो जिस जिन लोगों को इंस्टेंट बनाना हो चिकन विकन लाके बॉईल करके बना लिया उनके लिए थोड़ा सा टफ पार्ट है लेकिन कोई अगर टाइम हो अच्छा सा टाइम और अच्छी सी स्कॉच रखी हो टीचर जैसी तो टाइम स्पेंड करने के लिए बढ़िया है कि ये बनता रहे पैक होता रहे मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर इतनी मेहनत करोगे ना तो वो मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी तो मैं बताऊँगा तुम थोड़ी ना बताओगे तो मैं बताऊँगा बिल्कुल बिल्कुल तो चलो ये है मैंने जो क्रैब के शेल्स होते हैं अपर बॉडी उसी में ही मैंने एज अ प्लेटिंग इसको इस्तेमाल किया है गुड ठीक है तो ये लो जी चम्मच स्टार्ट करें बिल्कुल करो चलो इसी में से खा लेते हैं दूसरे केकड़े की जिम्मेदारी कौन लेगा मीठा मीठा वाला टेस्ट आता ना मेरा टेस्ट आ रहा है इसका जो शेलफिश होती है ना अक्सर थोड़ी सी मीठी होती है इसलिए बोलते हैं शेलफिश को ज्यादा तीखा बनाना पड़ता है ताकि उसका टेस्ट बैलेंस हो जाए अब आया तीखापन थोड़ा सा है ना क्या मजा आ रहा है मजेदार है ओ है अच्छा ये खा के देखना बना के देखना मजा आ जाएगा आप किसी भी पार्टी में ना अगर आप बना रहे हो ये ठीक है रंगत ले आएगा ये और मेरे ख्याल से रिच ऑफ प्रोटीन वगैरह भी इसके अंदर बहुत रिच होता है अल्टीमेट प्रोटीन होता है क्रैब है ऑलरेडी बहुत अच्छा बहुत बहुत ज्यादा रिच होता है प्रोटीन में ठीक है मजा आ जाएगा आपको ये खाने में खासतौर से एक विस्की के साथ तो बहुत ही अच्छा तालमेल देता है कैसा लगेगा भाई अरे भाई बढ़िया अच्छा रहा मैं कह रहा हूँ अच्छा लगा खाने में टेस्ट मैन बड़ी अच्छी आ रही है ना क्रीमी एकदम टेक्सचर है इसका उसके ऊपर से थोड़ा सा स्पाइसी गरम गरम खाओगे तो और भी अच्छा लगेगा मेरे को मानना है चलो भाई स्टार्ट करें आगे बढ़ो थोड़ा साइड कर देते हैं इधर कर लेते हैं तो थोड़ा बात पैकिंग की भी कर लेते हैं देखो काफ़ी अच्छा मार्केटिंग है इसका मैं ये कहूँगा सिंपल ब्रांड बहुत अच्छा है सिंपल मार्केटिंग है बट काफ़ी अच्छी प्रीमियम मार्केटिंग है ठीक है इवन जो गत्ता भी इन्होंने इस्तेमाल किया ना कार्ड बॉक्स अपने बॉक्स को बनाने के लिए वो भी अच्छी काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का है गोल्ड वर्क हो रखा है यहाँ पे ठीक है कॉपर वर्क बोलूँगा गोल्ड नहीं ठीक है और जो ये फ्लावर आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में ये टॉर्च की तरह लगता है ये लगता है कि इधर उधर ये आग की लपटें हैं बट ये वो नहीं है एक थ्रिशल स्कॉटलैंड का एक नेशनल फ्लावर है थ्रिशल करके ठीक है वो इस तरीके से दिखता है ठीक है आपको उसको गूगल सर्च करना आपको पता चलेगा तो उन्होंने वो स्कॉटलैंड के नेशनल फ्लावर को दर्शाते हुए इन्होंने अपना लोगो बनाया हुआ है एंड नो डाउट काफी अच्छा काफी यूनिक लोगो है ठीक है बाकी तो इसके बॉक्स पे काफी सारा इसके बारे में लिखा हुआ है ठीक है एक इनकी लाइन है द यूनिक कैरेक्टर एंड फुल फ्लेवर काफी अच्छी लाइन है और है भी मैं काफी बार पी चुका हूँ ठीक है रिव्यू के लिए आज लेके आया हूँ पहली बार बट काफी बार मैं इसको पी चुका हूँ मतलब एक पैक सेगमेंट होता है ना जैसे कि आप 1000 रुपए से ऊपर जब जाते हो तो 1000 रुपए से ऊपर पे आपको काफी सारे मिल जाते हैं टीचर मिल जाता है आपको ब्लैक डॉग भी आ जाता है उसके अंदर ठीक है ना और एक आपका 100 पाइपर भी आता है और बहुत सारे हैं मतलब एक अगर आपको याद है मेरा फेमस ग्राउस वाला वीडियो याद है अपना फेमस ग्राउस वो भी आता है वो तो मतलब अल्टीमेट है वो तो वो स्कॉटलैंड की फेवरेट विस्की है वो तो स्कॉटलैंड में किसी भी बार में चले जाओगे वहां पे बार में आके बोलोगे ना ऑन द रॉक्स विस्की अगर बोल दोगे तो वो बिना सोचे समझे आपको फेमस ग्राउस ही निकाल के देंगे और फेमस ग्राउस का रिव्यू में डाल रखा है आपको अल्टीमेट मिल जाएगा वो और वो अल्टीमेट है भाई अल्टीमेट है वो बजट में बहुत से विस्की ठीक है और अगर चलो अब इतना तारीफ दूसरों की कर रहे हैं जिसको लेके आया कम से कम उसको तो स्टार्ट करें चलो भाई मौसम बोलते नीचे रख के फोर करते हैं चलो भाई तो ये ऐसा है कि बहुत दिनों बाद टीचर आई ना और जब आई तो रहा नहीं गया
दो दो पैग लगा लिए टीचर की ना थोड़ी बहुत किताबें हमने पढ़ ली दो 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 पैग लगा के बैठे हुए टीचर आए घर में तो उसने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ा दी हमने पढ़ ली बस इसीलिए थोड़ा हो गया काम ठीक है तो खैर अरोमा यहाँ तक आ रहा है इसका तो इंडिया में ये बीम संतोरी लेके आते हैं और आजकल बीम संतोरी बहुत अच्छे ब्रांड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस करा रहा है जिम बीम तो हम सब जानते ही हैं बिल्कुल ठीक है वर्ल्ड फेमस बर्बन है ये उसके अलावा इंडिया में ओक स्मिथ गोल्ड ओक स्मिथ सिल्वर दोनों इंडिया में सिल्वर का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं गोल्ड का जल्दी आने वाला है बिल्कुल ठीक है तो और उसी के छाते के नीचे एक और ब्रांड है ये जो इंडिया में आता है और अमेजिंग मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पी है नो डाउट अमेजिंग है जल्दी से नोजिंग करते हैं और आपको बताते हैं क्या है क्या नहीं ठीक है तो पहले तो देखो कलर की बात करूँ तो कलर तो एडेड है इसमें ठीक है देखते ही पता चल रहा है आई गेस इसमें नेचुरल परमिटेड कलर एडेड है राइट है ना हाँ और बाकी कलर अच्छा है लाइट गोल्ड कलर एम्बर कलर है लाइट एम्बर कलर है अच्छा लगता है मतलब देखने में कलर और विस्की की ना क्वालिटी से ही मालूम पड़ रहा है कि कितनी डिस्टिल्ड वगैरह है मतलब बिल्कुल क्लियर है क्रिस्टल क्लियर विस्की है ठीक है तो चलो अब जल्दी से नोजिंग और कर लेते हैं ओहो हमेशा से भाई फ्रूटी नोट्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ रहे हैं एक जो बढ़िया तरीके की नोजिंग होती है ना जो एक प्रेजेंट देती है माइंड को भाई वो वाली नोजिंग भाई नोजिंग काफ़ी प्लेजेंट है काफ़ी फ्रूटी है आप इसको आमंड वगैरह इसमें वैसे ही आपको फील हो जाएंगे ठीक है थोड़ा सा मैं तो स्मेल करते जा रहा हूँ बढ़िया लग रहा है अच्छी है मतलब फ्लावरी फ्रूटी जो इवन जो इसका जो इन्होंने लोगो बना रखा है फ्लावर वाला थोड़ा सा फ्लावरी नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे ठीक है और एक चीज़ और मैं बताऊँ इससे पहले कि हम टेस्ट करें जो इनके बॉक्स वगैरह पर भी लिखा हुआ है ये पीटेड मॉल्ट हैवी विस्की है ठीक है इसमें लगभग जो जितना भी इसका मिक्सचर बनाया जाता है उसमें जो पीटी मॉल्ट का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग ठीक है उससे होता क्या है कि जो स्मोकीनेस है ना पीटी मॉल्ट में स्मोकीनेस काफ़ी ज़्यादा रहता है ठीक है तो उसकी वजह से स्मोकीनेस काफ़ी अच्छा इसमें उभर के आता है और जितने भी स्मोक लवर्स हैं ना विस्की में जो स्मोक पीना पसंद करते हैं उनको ये विस्की इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है पहली चीज़ दूसरी चीज़ ये इसमें 40% सिंगल मॉल्ट स्कॉच का इस्तेमाल होता है वो भी इन्हीं की खुद की बनाई हुई सिंगल मॉल्ट है जिसको आप जानते भी होंगे एडमोर सिंगल मॉल्ट स्कॉच के नाम से फेमस है वो और जो बाकी का 60% जो बचता है वो ब्लेंडेड विस्की वाला हाँ ब्लेंडेड स्कॉच इस्तेमाल करते हैं और देखो जब भी स्कॉच होता है ना स्कॉच में आपको पता है जो इनका लॉ है ठीक है कि एटलीस्ट 3 ईयर्स एज तो होगी ही होगी मैच्योर इतना होना चाहिए मतलब इतना मैच्योर तो होता ही है तो ये मान के चलो कि एक हाईलैंड क्रीम जो ये है ये मिनिमम 3 ईयर्स और जहाँ तक मेरे को लग रहा है 3-4 से 5 साल तक एज वाले इसमें जो भी अपने स्पिरिट्स है वो यूज करें जिस हिसाब से मतलब स्पेलिंग वगैरह है और टेस्ट प्रोफाइल तो भी देख के हम बता ही देंगे आप चलो तो अब आगे बढ़ते हैं टेस्ट करते हैं चलो भाई चीयर्स मेरे को थोड़ी सी रफ लगी वो रफनेस पता क्यों मैंने जैसे बताया इसमें ना क्योंकि पीटी मॉल्ट है तो चारी इफेक्ट बहुत ज्यादा है लेकिन वो बढ़िया लग रहा है पीने के बाद क्योंकि ना पीने के बाद ना अब जो फ्रूटीज वगैरह फ्लेवर हो रहे हैं क्या निकल के आ रहा है अच्छा है आफ्टर टेस्ट बहुत ही अच्छा है इसका लिंगरिंग है ये नहीं कहूंगा कि एक अलग ही लेवल का है लेकिन अच्छा है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इतनी तरह की सिंगल मॉल्ट यूज करे हैं वो एकदम मिक्सचर उसका वो लगता है कि टेस्ट के साथ वो आ रहा है उभर के बिल्कुल अच्छी तरह मैं ये नहीं कहूँगा कि माउथ बर्न इसका बहुत ज़्यादा नहीं है ठीक है ठीक ठाक है स्पिरिट है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत तो माउथ में फील होगा ही होगा ठीक है बट वो जो स्मोकीनेस है मेरे को पसंद है तो इसलिए मुझे वो ठीक लगता है बहुतों को स्मोक विस्की नहीं अच्छी लगती स्मोकी विस्की तो उनके लिए शायद ये उतना ज़्यादा मतलब जो हार्ड स्कॉच विस्की लवर है ना उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन टीचर्स है भाई और मज़ा भी आएगा उन्हें पीने में एग्जैक्टली इवन जो ब्लैक लेबल पे ब्लैक लेबल डबल पे जो जाते हैं ब्लैक लेबल देखो वो है स्मोकी हैवी स्मोकी विस्की है वो अगर उनको किसी को ब्लैक लेबल पसंद है ना तो उसको टीचर्स तो मेरे हिसाब से पसंद आएगी आएगी ठीक है क्योंकि इसका स्मोक काफी अच्छा है उस ब्लैक लेबल का आपको पता ही है वो स्टार्ट ही होती है 2500 रुपए की रेट बात इसका तो सीधा सा कॉम्पिटिटर है ब्लैक डॉग है इसका तो दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी ये 1500-1600 रुपए के रेंज में मिल जाएगी ठीक है तो अपने प्राइस को जस्टिफाई कर देती है अमेजिंग विस्की है
बिना पानी के हो। ब्लैक डॉग की बात हो, रुको रुको रुको, ब्लैक डॉग ले ठीक है भाई, बड़ा प्राउड फील कर रहा है उसने बोतल को अच्छे से इस्तेमाल किया। हमारी लाइफ में है क्या छोटी छोटी से अचीवमेंट है, उसमें पीछे ढूंढ लेते हैं है ना, दिल में डायलॉग मार रहा है शाहरुख खान वाले। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा करते हैं नोजिंग। ओहो और प्लेजेंट हो गई, और स्मोक और उभर के आ गया नोजिंग के टाइम पे भी, फ्रूटी नोट्स, तुम्हारे ऑलमंड नोट्स सारे उभर के आ रहे हैं, मतलब कि मालूम पड़ रहा है कि कितना बढ़िया तरीके से कॉम्बाइन करके स्पेशल रेसिपी बनाई गई है। तो इसीलिए टीचर्स लोगों को पसंद है ठीक है, और थोड़ा सा हनी थोड़ा सा वनीला भी फील हो रहा है, वो तो भी है। करो करो बढ़िया उमदा टेस्ट, बहुत प्यार से उतर गई, बहुत स्मूथ है, अब थोड़ी स्मूथ हो गई है, लेकिन अच्छी बात है कि इसका जो एक वो कैरेक्टर्स जो है वो अभी भी बरकरार है। हैं ठीक है, वनीला फील हो रहा है, बिल्कुल हनी पता चल रहा है, स्मोकीनेस तो जो फिनिश है ना इसकी, स्मोकी फिनिश वो तो है ठीक है, उसके अलावा आपको आमंड भी फील हो जाएगा, थोड़ा सा फ्रूटी थोड़ा सा फ्लावरी भी फील हो जाएगा तो ओवरऑल अच्छी बैलेंस्ड बजट विस्की है आपकी, बजट स्कॉच विस्की है, उसको कहूंगा ला के भाई ट्राई करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको विस्की ये वाली ला के, स्कॉच ये वाली ला के सॉरी कैसी लगी। उससे ज्यादा बेटर, बाकी उससे बेटर इसलिए लगती है कि इन्होंने ना जो स्टार्ट ही किया है ना काफी अच्छा स्टार्ट किया, अपने जो लाइनअप को काफी अच्छा स्टार्ट दिया, जो बजट है उस बजट में जो स्टार्टअप है ना इनका बहुत प्यारा है, उसके आगे तो नो डाउट यार वो जो बाकी के हैं इसके आई गेस एक 12 ईयर आता है, 8 ईयर्स आता है, 8 ईयर्स आता है ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका लाइनअप चलता जा रहा है नो डाउट बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं वो भी, बट क्या उसका ना रेट थोड़ा सा मेरे को लगता है हाई है, बिल्कुल हाई है ठीक है, उसमें जब उतने हाई रेट पे जाता हूँ तो फिर मैं जो और उसको जो और स्कॉच मार्क मारने लगती है फिर। हाँ जैसे कि मेरी ब्लैक लेबल तो ऑल टाइम फेवरेट है ये, उसके अगर स्कॉच का मन नहीं कर रहा है तो मैं अपनी आयरिश विस्की उठा लेता हूँ, अपना अमृत आ गया, इंडिया में अपने अमृत हो गए, क्या कहते हैं ये फ्यूजन हो गया अमृत का ठीक है, और इस टाइप के बहुत सारे ब्रांड हैं जो इंडिया में और आजकल बाहर अवेलेबल हैं, तो उतना है जब हाई जाने लगता है तो ऑब्वियसली फिर मैं टीचर से हटके कहीं देखने लगता हूँ, बिल्कुल, बट जब 1500-1600 का बजट है तो टीचर तो दिख जाता है टॉप पे कि हाँ कोई और नहीं तो ये तो है ही है ना, है ही है। तो और ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में बताने के लिए, वैसे तो ये विस्की एंजॉय करने वाले तो लाके एंजॉय करो, हमारे सिपर विस्की है, बस ऑन दी रॉक्स डाल लो, ओए होए बल्ले बल्ले बल्ले, महफिल बनाओ और ऐसा चकनाओ कराओ वाला तो मजे आ जाने भाई, धीरे धीरे दोस्तों के साथ महफिल जमाओ और खाते रहो पीते रहो, खाते रहो पीते रहो भाई, बिल्कुल सही कहा रवि ने है ना, एक टैग हो और एक घंटे तक की वार्तालापे हो, तो वीडियो को यही एंड करते हैं, चैनल को लाइक करो शेयर कर सब्सक्राइब करो और हमें छोड़ दो ताकि हम बोतल फिनिश कर दें ठीक है ना, रवि कुछ कहना है? बस इतना ही कहना है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, और फिर से अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू एक नए ब्रांड के साथ, तब तक के लिए लाइव दोगुना और राहुल मेरी तरफ से चीयर्स।